ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खबरें, बात रायगढ़ की कर लेते हैं। रायगढ़ में होने वाले राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में पहले पोस्टर का कांग्रेस का पोस्टर वार सुर्खियां बटोर रहा है। होर्डिंग्स व बैनर में रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक और महापौर जानकी काजू की तस्वीर ही गायब है। अहम बात यह है कि ये होर्डिंग्स कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने लगवाए हैं। इसमें से कई तो टिकट के दावेदार भी हैं। मौका मिलते ही भाजपा ने चुटकी लेते हुए कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही अब विधायक प्रकाश नायक को विधायक मानने से इनकार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस इसे प्रिंटिंग मिस्टेक बता रही है। दरअसल रायगढ़ जिले में एक जून से 3 जून तक राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। सीएम और मंत्रियों के आगमन को लेकर शहर में होर्डिंग्स व बैनर भी लगाए जा रहे हैं। इसमें से कुछ होर्डिंग्स व बैनर में विधायक प्रकाश नायक और महापौर जानकी काजू की तस्वीरें गायब है, जबकि जिले के चारों विधायक की तस्वीरें लगाई गई हैं। इसे लेकर शहर में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। साथ ही कांग्रेस में गुटबाजी और कलह एक बार फिर से उजागर हो रही है। राम महोत्सव हो रहा है, इसमें इन्होंने तो अपनी मुखिया की ही फोटो बैनर पोस्टर से गायब कर दी है। ये खुद ही परहेज कर रहे हैं अपने विधायक की फोटो लगाने से। तो रायगढ़ की जनता, जिले की जनता को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि वास्तव में कांग्रेस की क्या स्थिति है। कांग्रेस पार्टी में किसी भी प्रकार की कोई कलह नहीं है और राष्ट्रीय रामायण महोत्सव को लेकर पूरे कांग्रेस ही नहीं अपितु पूरे रायगढ़ जिले में एक अपूर्व उत्साह का वातावरण बना हुआ है। और कुछ एक पोस्टर में निश्चित तौर पर माननीय विधायक जी की फोटो नहीं है, तो उसको लेकर भी हमने उन लोगों से चर्चा की है। तो वो अपनी गलती इस बात से मान रहे हैं कि छापने वाले की गलती हो गई है और ऐसी कोई स्थिति नहीं है। तो आरंग से बड़ी खबर, खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नकली गुटखा बनाने की अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा है। 23 मशीनों के साथ करीब 2 करोड़ का गुटखा जब्त किया है। काम करते हुए पकड़े गए हैं 40 मजदूर। सुबह 4 बजे तक चली कार्रवाई, फैक्ट्री को किया गया सील। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, नकली गुटखा बनाने वाली कंपनी पर अब कार्रवाई यहां पर की गई है और सुबह 4 बजे तक ये कार्रवाई चली है। फैक्ट्री को भी अब सील कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई आपको बता दें, और नकली गुटखा बनाने वाली अवैध फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की गई है। 23 मशीनों के साथ करीब 2 करोड़ का गुटखा जो है वो जब्त किया गया है। काम करते हुए 40 मजदूर भी पकड़े गए हैं और 4 बजे तक ये कार्रवाई चली। फैक्ट्री को फिलहाल सील कर दिया गया है। खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई आपको बता दें इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। और खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई वाकई में मानी जा रही है। 2 करोड़ रुपए का गुटखा जब्त किया है और नकली गुटखा बनाने वाली अवैध फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की है। 23 मशीनें भी यहाँ पर पाई गई है। तो खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, नकली गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई। आपको बता दें 2 करोड़ का गुटखा यानी कि नकली गुटखा यहां पर जब्त किया गया है। इसके अलावा 23 मशीनें ऐसी थी, 40 से ज्यादा मजदूर यहां पर काम कर रहे थे। देर रात तक ये कार्रवाई चली यानी कि सुबह तक कार्रवाई चली और फैक्ट्री को फिलहाल सील कर दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको INS 24/7 पर दिखा रहे हैं और खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। नियंत्रक महोदय के निर्देशानुसार टीम बनाई गई थी और यहाँ अवैध गुटखा बनाने की जो है सूचना प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर यहाँ पर कार्रवाई की गई है, जिसमें जो है 23 मशीन गुटखा बनाने की पकड़ी गई और करीब 2.25 करोड़ का सामान जो है जब्त किया गया। विभाग को सूचना मिली थी कि यहाँ पर लंबे समय से अवैध रूप से गुटखा बनाया जा रहा था, तो एक विभाग के द्वारा दल बनाकर यहाँ रात को मध्य रात्रि को एक छापा डाला गया है, छापा मारा गया है। और मौके पर यहाँ पर लगभग आपका 350 बोरी बिहार के गुटखे और लगभग 5 बड़े पेटी में माणिकचंद के जो सैंपल मिले हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए संवाददाता डागेश यादव। डागेश, बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है, 2 करोड़ से ज्यादा का माल भी मिला है और 23 मशीनें जब्त की गई हैं। क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? कब से ये फैक्ट्री चल रही थी, कितना
घोटाला अब तक इस फैक्ट्री के जरिए हो चुका है, क्या कुछ पूरी जानकारी निकलकर सामने आई? जी आपको बता देना चाहता हूँ कि रात को रात करीब 12 बजे करीब खाद्य विभाग की टीम द्वारा मंदिर सो थाना क्षेत्र में एक बड़ी यहाँ पे फैक्ट्री है जो यहाँ पे गुटखा अवैध गुटखा वगैरह का निर्माण किया जा रहा था, जिसमें अवैध गुटखा के साथ साथ 23 गुटखा बनाने की 23 मशीन, 2 करोड़ रुपए की लागत, 2 करोड़ रुपए की माल गुटखा जब्त किए हैं, और साथ ही साथ उसमें जो काम करने वाले थे, साथ ही साथ फैक्ट्री में काम करने वाले जो 40 मजदूर थे वो महाराष्ट्र और हरियाणा और झारखंड के लोग थे वहाँ पे। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि उसमें जो गुटखा थी, गुटखा में वो अधिकतर में जो केसरयुक्त जो गुटखा सितार जो है, केसरयुक्त सितार और साथ ही साथ नकली मानिकचंद गुटखा की वहाँ पे खाद्य विभाग द्वारा पुष्टि किए हैं। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया नागेश तमाम जानकारी देने के लिए। इधर बस्तर में अब बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी बस्तर की 12 विधानसभा सीटों में चुनावी तैयारी शुरू कर दी है, और इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी जगदलपुर में 2 जून को एक बड़ी बैठक करने जा रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा सहित प्रदेश के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव ने कहा है कि यह बैठक कांग्रेस के लिए बहुत अहम बैठक है। इस बैठक में कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और अन्य चीजों को करने के लिए तय किया है, और आने वाले समय में बस्तर के 12 सीटों पर कांग्रेस का ही कब्जा बना रहे, इसलिए रणनीति तैयार की जाएगी। पावन धरा से छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी संभागीय सम्मेलन 2 तारीख को करने जा रही है, जिसमें हमारे प्रदेश की प्रभारी आदरणीय शैलजा जी आएंगी, चंदन यादव जी होंगे, सप्तगिरी शंकर उल्का जी होंगे, और विजय जांगिड जी जो हमारे जो अनुसांगिक संगठन है कांग्रेस पार्टी के, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, इंटक वगैरह के प्रभारी हैं, वो भी रहेंगे। क्या बताकर फिर से 12 सीट में जो ख्वाब देख रही है, आपने जितने भी वादे किए एक भी वादे पे आप मुखर नहीं हुए, आपने छोटी से जो 36 वादे हैं एक भी वादा आपने कहा कि हमने पूरी तरह से किसानों का कर्ज माफ किया, आपको ये भी पता है कि किसानों का कर्ज सिर्फ सहकारी बैंकों का जो कर्ज लिए गए थे वो माफ हुए, तो आप उसमें भी पूरी तरह से आपने उस वादे को भी पूरी तरह से नहीं निभाया। दर आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी वनांचल क्षेत्र के लोग अब भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के डांड जमड़ी गांव का यह हाल बताया जा रहा है। दरअसल यह गांव कूटा ग्राम पंचायत से जुड़ा है, जहां जाने के लिए ग्रामीणों को 14 किलोमीटर पैदल सफर करना पड़ता है। चूंकि सरपंच पूटा गांव में बैठता है, जिसके चलते कुछ शासकीय काम हो तो ग्रामीणों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है और पहाड़ी रास्ते से जाना पड़ता है। वहीं यहां के बच्चों को पढ़ाई के लिए भी पहाड़ों के रास्ते से पैदल जाना पड़ता है। इलाके में सड़क नहीं होने के कारण गांव का संपर्क भी जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। ग्रामीणों ने डांडजमड़ी गांव को अलग से ग्राम पंचायत बनाने की मांग की है, इसे लेकर ग्रामीणों ने विधायक और प्रशासन से भी गुहार लगाई है। जशपुर के बादलखोल वन अभ्यारण के डैम में पानी की भारी कमी हो गई है। दरअसल कुछ शरारती तत्वों ने मछली मारने के लिए लाखों लीटर पानी की बर्बादी कर दी है। जैसे ही डैम का गेट खुला, वैसे ही पता चला कि डैम पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ है। ये डैम बादलखोल वन अभ्यारण के अंदर जंगली जानवरों के पानी पीने के लिए बनाया गया है, लेकिन इस हरकत की वजह से जानवरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस डैम में लगभग 6 फीट तक पानी था और पानी डैम से ओवरफ्लो हो रहा था। अभ्यारण्य में रहने वाले जंगली जानवरों के साथ आसपास के गांवों के मवेशी भी यहां गर्मी के दिनों में पानी पीने आते हैं, लेकिन अब डैम से पूरा पानी बह चुका है। वहीं इस मामले पर अब ग्रामीणों ने दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।
तीन दिन पहले लबालब पानी डीला हुआ था, जिसे 300 किलोमीटर दूर तक पानी डीला था, उसको आज आकर देखते हैं तो इस डैम में एकदम पानी सब सूख गया है। डैम को जाना जाता है लुम्बा दह के नाम से, और जितना भी उन्हें प्राणी हैं, हाथी हुआ है, भालू हुआ, जो भी जानवर हैं, गांव घर के गाय भैंस जो भी आता था या पानी का निस्तार करता था, आज की डेट में आके देख रहे हैं तो जल पूरा सूखा पड़ा हुआ है, डैम में एक भी पानी नहीं दिख रहा है। ये बादलखोल अभ्यारण्य के बीचों बीच जंगल में लुम्बालाता डैम है, जहाँ पे डैम बना हुआ है। यहाँ लाखों लीटर पानी हमेशा रहता था, जिसमें वन जीव, हाथी, भालू और भी कई प्रकार के जीव जंतु हैं, फिर गांव के मवेशी लोग हैं, वो सब यहाँ पे पानी पीते थे और पानी का उपयोग होता था। किसी के लिए कुछ अच्छा करने का जुनून हो तो पूरी कायनात साथ देती है। कुछ ऐसा ही जुनून धमतरी जिले के मंदरौद गांव के रहने वाले मोहन साहू ने के मन में था, जो अब बेजुबानों की मदद कर रहे हैं। युवक विलुप्त हो रही पक्षियों को बचाने के लिए 4 साल से मुहिम चला रहे हैं। भरी गर्मी में पक्षियों को बचाने के लिए दाना, पानी और घोंसला तैयार कर पेड़ों में लगा रहे हैं। इस साल मोहन साहू ने 100 नग लकड़ी का घोंसला बनाकर गांव के आसपास लगाया है। वहीं इन घोंसलों में चिड़ियों का आना जाना भी शुरू हो गया है, इससे पक्षियों का कुनबा भी बढ़ने लगा है। मोहन साहू ने बताया है कि उन्हें ये आइडिया फेसबुक से मिला। युवक की इस पहल को लेकर इलाके में उनकी अब खूब तारीफ हो रही है। मैं यहाँ जो सकोरा है उसको 2018 से बना रहा हूँ। यह सकोरा सबसे पहले मैं फेसबुक के माध्यम से देखा था। फेसबुक के माध्यम में लोगों ने जो पक्षियों के प्रति संरक्षण की भावना, संवेदनाएं की थी, उसको देखकर मेरे मन में भी एक विचार आया कि मैं भी इन पक्षियों के प्रति संरक्षण करूं। बहुत ही ऊर्जावान लड़का है मोहन, और लगातार सेवा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सेवा भावना उसमें कूट कूट कर भरी है। खेल के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी कार्य करता है। मोहन साहू हमारे ग्राम का होनहार युवक है। मैं देख रहा हूँ पिछले 6-7 सालों से मोहन साहू पक्षियों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है, और घोंसला बना के गांव में बहुत सारे जगहों में घोंसला बना के चारा डाल के पानी डाल के रखते हैं, और बहुत ही एक अच्छा प्रयास। इधर बलौदाबाजार में चल रहे जुए के अड्डे पर पुलिस ने दबिश देकर 15 जुआरियों को पकड़ लिया है। पुलिस की कार्रवाई में पकड़े गए जुआरियों से 1,06,000 रुपए नगद के साथ 11 बाइक और 14 मोबाइल जब्त किए गए हैं। सोमवार को मुखबिर से मिली सूचना पर स्थानीय थाना की पुलिस ने टीम के साथ दबिश दी तो मौके से 15 जुआरी रंगे हाथ जुआ खेलते हुए पकड़े गए। चलिए इसी बीच रुक कर लेते रायपुर का। बड़ी खबर सामने आ रही है, आज मिलेगी बेरोजगारी भत्ते की दूसरी किस्त। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जारी करेंगे किस्त। 1,05,395 युवाओं को मिलेगी राशि, और 32,35,25,000 राशि का आज अंतरण होगा। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की रायपुर से बता रहे हैं, जहां बेरोजगारी भत्ते की आज दूसरी किस्त दी जाएगी। और ये भी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दूसरी किस्त जारी करेंगे। 1,05,395 युवाओं को ये राशि मिलेगी। वहीं 32,35,000 राशि का अंतरण आज किया जाएगा। तो बेरोजगारी भत्ते की दूसरी किस्त आज दी जाएगी। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा भत्ता दिया जाता है, और 1,05,395 युवाओं को आज दिया जाएगा। 32,35,000 राशि का अंतरण होगा। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता दूसरी किस्त आज दी जाएगी। चलिए बात कर लेते रायपुर की बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ कल से शुरू होगा रामायण। आपको बता दें बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ कल से होगा राममय। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का होगा शुभारंभ। रायगढ़ के रामलीला मैदान में होगा महोत्सव, और 12 राज्यों के रामायण मंडली लेंगे हिस्सा। 2 देशों की मंडली आएगी छत्तीसगढ़। तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। देश के ख्याति प्राप्त कलाकार देंगे प्रस्तुतियां, और 3 जून तक ये महोत्सव चलने वाला है। तो कल से छत्तीसगढ़ राम में होने वाला है। आपको बता दें
कि 1 जून से लेकर 3 जून तक यहाँ पर रायगढ़ में बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का शुभारंभ होगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, रायगढ़ में रामलीला मैदान में महोत्सव होने वाला है। 12 राज्यों के रामायण मंडली इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। 2 देशों की मंडली भी छत्तीसगढ़ आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव बताया जा रहा है, तैयारियों ने अपना अंतिम रूप भी ले लिया है। तो आपको बता दें 3 जून तक ये महोत्सव चलने वाला है और 3 दिन का ये पूरा कार्यक्रम है। छत्तीसगढ़ कल से पूरा राममय हो जाएगा और राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का शुभारंभ आपको बता दें 1 जून से होगा। रायगढ़ के रामलीला मैदान में ये विशाल महोत्सव होने जा रहा है। 12 राज्यों के रामायण मंडली इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए दिखाई देंगे। 2 देशों की मंडली भी छत्तीसगढ़ आएंगी, यानी कि तैयारियों का जो है वो अंतिम रूप है। विशेष कार्यक्रम होने वाला है, देश के ख्याति प्राप्त कलाकार भी इस कार्यक्रम में प्रस्तुति देते हुए दिखाई देंगे। चलिए बात कर लेते हैं विकास के गढ़ छत्तीसगढ़ की। भूपेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गुरवा गरवा बाड़ी के तहत गौठानों में ग्रामीण महिलाएं विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधियां संचालित कर स्वावलंबन की राह पर अग्रसर हो रही हैं। देखिए महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से गौठानों में वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद का निर्माण कर स्वावलंबी हो रही हैं। ग्राम दतान के गौठान में संगवारी महिला स्व सहायता समूह में 10 महिलाएं जुड़ी हैं। समूह की महिलाएं बताती हैं कि जब से वो गौठान से जुड़कर काम कर रही हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। फायदा हुआ था बेटा, मुख्यमंत्री देना तो मस्त फायदा हुआ थे। अब बाहर जात रहे तेनों नहीं जातन बनी भूति भक्ति में सब काम लवहान में करता बोला धन्यवाद पास हम बहुत फायदा है। समूह के सक्रिय सदस्य सीमा ध्रुव बीए की पढ़ाई कर रही हैं और वो बताती हैं कि इस गौठान में समूह की महिलाएं 2 वर्षों से लगातार गोबर खाद का निर्माण कर रही हैं। पहले वर्ष में उन्हें 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ और इस वर्ष 2023 में अभी तक 540 क्विंटल खाद बनाकर 5 लाख रुपए का खाद सहकारी समितियों को बेच चुकी हैं, जिसे सभी खर्च निकालकर समूह को 2 लाख रुपए का मुनाफा हुआ, जिसका भुगतान भी उनके बैंक खाते में हो चुका है। अभी तक हमन हां 5 लाख के बेच चुके हैं खाद ला और 2 लाख के हमारा मुनाफा हो चुके हैं। मैं है मुख्यमंत्री ला सबसे पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि पहली तो हमारे धान वाल ला मिस के सब बाहर जावा, लेकिन अब वो काम ला नहीं कर रहा था, कोई बाहर नहीं जाते, सब यही गौठान में आके हमन है गर्मी भर यही सब काम करता, तो हमारा बहुत फायदा हुआ था, बहुत बहुत धन्यवाद। महिलाएं आत्मनिर्भर भी हो गई हैं। गोबर खाद निर्माण और बिक्री करने के बाद प्राप्त आय से किसी ने अपने लिए जेवर तो किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ अपने और अपने परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति की। समूह की महिलाएं बताती हैं कि समूह से जुड़ने के बाद वो आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। थानों सब फायदा है, गोबर लेवा थाना लेवा थाना खाद बना के अपन बेचत भांजा था ना, 5 लाख के बनी तो 2 लाख मिल गए है, हमारा का फायदा है। ता गोबर पानी कचरा लगा रहे किसान के तेला छोड़ के अपन गौठान में आके काम करा था। समूह से जुड़ने के बाद महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। साथ ही महिलाओं ने प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल को इस प्रयास एवं मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।
भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ का रायगढ़ शहर 1 जून से प्रभु श्री राम की भक्ति में सराबोर होने जा रहा है। 3 दिनों के इस कार्यक्रम में जहां 14 राज्यों की रामायण मंडलियों ने अपना पंजीयन करवाया है, तो वहीं इंडोनेशिया, कंबोडिया और नेपाल की रामायण मंडली भी इसमें शामिल होने आ रही है। महोत्सव के अंतिम दिन डॉक्टर कुमार विश्वास के आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण अपने अपने राम का सत्र भी होने जा रहा है। खास बात यह है कि इस आयोजन में शामिल होने वाली मंडलियां अरण्य कांड पर आधारित प्रस्तुति देगी, जिसमें प्रभु श्री राम के वनवास काल का जिक्र होगा। इस आयोजन को लेकर सरकार खासी उत्साहित है, लेकिन अब इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। श्री राम का मुद्दा, गौ माता का मुद्दा, ये हमारे लिए कभी राजनीति के मुद्दे नहीं रहे, ये हमारे आस्था और विश्वास और श्रद्धा का विषय रहा है। और काज ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कभी भगवान राम को काल्पनिक कहा, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर निर्माण में लगातार रोड़े अटकाए, राम सेतु के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाया, और आज यदि भगवान राम पर उन्हें भरोसा हुआ है तो वो दिल से और आस्था से हो, दिखावा के लिए और राजनीति के लिए ना हो। पिछली सरकार को 15 साल का समय मिला था और मैं सोचता हूँ कि 15 साल का समय कुछ कम नहीं होता है। हमको तो केवल अभी 5 साल का समय मिला है और इस 5 साल में भी 2 साल कोविड में चला गया और लगभग 6 महीना पहले से लोग चुनावी मूड में आ जाते हैं। 2-2.5 साल का ही समय हमको मिल पाया और उसमें हमने जहाँ पर अपनी संस्कृति को स्थापित और जीवंत बनाने का काम किया। अब तक प्रभु श्री राम के नाम पर भाजपा सियासत करती रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उसे ये मुद्दा हाथ से छिनता नजर आ रहा है। कांग्रेस ने भाजपा को राम वनगमन परिपथ से लेकर चंदखुरी के माता कौशल्या मंदिर जीर्णोद्धार को लेकर बैकफुट पर धकेलने की कोशिश में है। रायपुर से INews 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। दसुतियापाट जलाशय नहर विस्तार की मांग को लेकर एक बार पुनः सहसपुर लोहारा ब्लॉक के किसानों का आक्रोश सड़कों पर दिखा है। सैकड़ों किसानों और क्षेत्रवासियों ने सड़कों पर उतरकर पदयात्रा एवं ट्रैक्टर व बैलगाड़ी में सवार होकर सहपुर लोहारा के एसडीएम कार्यालय का घेराव किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला पंचायत कबीरधाम की सभापति भावना बोहरा ने कहा है कि वर्ष 2017 में पूर्व की भाजपा सरकार ने सुतियापाट जलाशय के 16 किलोमीटर विस्तारीकरण हेतु लगभग 17 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति दी थी। इस परियोजना के प्रारंभ होने से जिले के 26 गांव के 3250 हेक्टेयर कृषि भूमि के साथ साथ आसपास के 15 गांव को भी सिंचाई हेतु पर्याप्त जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। नहर विस्तारीकरण को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 में 17 करोड़ रुपए का सेंक्शन हुआ था, सर्वे हो चुका था, सारी स्वीकृति हो चुकी थी, जितनी फॉर्मेलिटी सरकार के माध्यम से सारी हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भूमि पूजन भी हो चुका था। लेकिन उसके बाद 2018 में जब कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने लगातार 4.5 साल हो गया इस विषय को पूरे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। जो स्वीकृति है हम लगातार उसके लिए मांग करते हैं। 2020 में भी पदयात्रा की गई किसानों के माध्यम से, आज फिर उसकी लगातार मांग उठ रही है। सरकार का यही कहना है विचाराधीन है, प्रक्रिया में है, लेकिन हम किसान ये जानना चाहते हैं कि कितने साल सुतियापाट जो नहर का विस्तारीकरण है उसमें शासन को प्रपोजल गया हुआ है जल संसाधन विभाग के द्वारा और वो शासन पर विचाराधीन है। इसी प्रकार पड़की पारा जलाशय के लिए भी गया है, इस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है। उनके ज्ञापन को वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए शासन को बताया जाएगा और प्रशासकीय स्वीकृति के लिए गया है। जैसी प्रशासकीय स्वीकृति हो जाती है शासन से नहर विस्तारीकरण काम चालू हो जाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए INews 24/7। नमस्कार।